सोनी सुपर कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिना गैस जलाए एक ऐसी रेसिपी, नहीं आपने कभी बनाई होगी, नहीं खाई होगी। अगर आपने ये रेसिपी एक बार पूरी देख ली तो अपने आप को बनाने से रोक नहीं पाओगे, इतनी सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। बिना किसी मेहनत के कुछ ही मिनटों में बनाएंगे। अगर आपने एक बार बना के ये चाट खा लिया तो आप सारे चाट खाने भूल जाओगे। साथ ही हम अपने भल्ले के लिए फिलिंग बनाएंगे। हमने 5 से 7 बादाम कट करके लिए, एक बॉल में डालेंगे। 10 काजू हमने बारीक कट करके लिए डालेंगे। हम अपने दही भल्लों के लिए ड्राई फ्रूट की फिलिंग बनाएंगे। साथ ही हम किशमिश डालेंगे, ये नहीं काटेंगे, ये ऐसे साबुती डालेंगे। ड्राई फ्रूट अपनी मनपसंद डाल सकते हैं। साथ ही हम चेरी डालेंगे। कम मेहनत में, कम पैसे में महंगी से महंगी रेसिपी भी आप खानी भूल जाओगे जब इस तरीके से बनाओगे। साथ ही हम 2 चम्मच भर के पिसी चीनी डालेंगे ताकि हमारी फिलिंग खाने में फीकी ना लगे, बहुत ही ज़्यादा शानदार और स्वादिष्ट लगेगी। इतने ज़बरदस्त और कलरफुल अपने दही भल्ले बनेंगे, आपने कभी नहीं बनाए होंगे, नहीं खाए होंगे। एक बार ये बना के खा लिए तो कभी स्वाद नहीं भूल पाओगे। पूरे परिवार को इतने पसंद आएंगे तो पूछेंगे कैसे बनाए। अपने ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिला के रखेंगे। साथ ही हमने 6 स्लाइस अपने ब्रेड के लिए, ऐसे अपने ब्रेड को उठा के किनारे कट करेंगे। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का दिल करे तो कुछ ही मिनटों में बनाए, नहीं आपको दाल भुगोनी पड़ेगी, नहीं घंटों फेंकनी पड़ेगी। बिना गैस जलाए फटाफट से बना के एंजॉय कर सकती हैं। सभी ब्रेड के किनारे हम इस तरीके से हटाएंगे। अगर आपने ये रेसिपी पहले कभी खाई है तो लाइक करके कमेंट में लिख के जरूर बताएं आपको कैसी लगी। एक ब्रेड के स्लाइस पे हम दही लगाएंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट के लिया है। दही अपनी ताजी मीठी लेंगे तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बनेंगे, बिल्कुल भी ब्रेड का टेस्ट नहीं आएगा, नहीं आपको दाल पीसनी पड़ेगी, नहीं कोई घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। दही लगाने से अपना ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। साथ ही हम अपने ब्रेड पे फिलिंग लगाएंगे। एक अलग टेस्ट और स्वाद के साथ अपने दही भल्ले बनके तैयार होंगे। ऐसे हम अच्छे से सील करेंगे, फीलिंग अपनी इतनी लगाए ताकि बाहर ना निकले। दबाते अच्छे से बोल बनाए, नहीं आपको पानी में डिप करना पड़ेगा, नहीं दूध में। दही लगाने से ऐसी सॉफ्ट हो जाएगा, बढ़िया बोल बनेगी, इतने सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे आप दाल के दही भल्ले खाने भूल जाओगे। जब इस तरीके से आप दही भल्ले बना के खाओगे तो आपको सारे चाट फीके लगेंगे, इतने स्वादिष्ट और अमेजिंग बनेंगे, आप हमेशा बना के खाने पसंद करेंगे। दही भल्ले या आलू के दही भल्ले तो बहुत खाए होंगे आप, एक बार ड्राई फ्रूट के दही भल्ले भी बना के ट्राई जरूर करें, गारंटी है आपको जरूर पसंद आएंगे। सभी बोल हम इस तरीके से बना के तैयार करेंगे। हमने इस तरीके से अपने भल्ले बना के तैयार कर लिए। साथ ही हम दही डालेंगे अच्छे से फेंट के, ठंडी दही ले अपनी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और स्वादिष्ट लगेंगे। मेरे परिवार की तो इतनी फेवरेट बन चुकी है, जब भी कुछ खाने का मन करता है तो हमेशा बोलते हैं मम्मी दही भल्ले बनाओ। साथ ही डालेंगे हम इमली की खट्टी मीठी चटनी। आपको रेसिपी देखनी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे हम अपने दही भल्लों पर डालेंगे, इतने अमेजिंग और स्वादिष्ट बनेंगे कोई पहचान नहीं सकेगा आपने दाल से बनाए हैं या ब्रेड से। बिना किसी झंझट के बिल्कुल आसान तरीके से बनाएं। साथ ही हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आपको हरी चटनी भी पीस के डालनी नहीं पड़ेगी, आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं। साथ ही हम हल्का सा काला नमक डालेंगे, आप अपनी पसंद से काला नमक डालें या गोरा नमक। साथ ही हम चाट मसाला डालेंगे, इस बिना तो हमारा चाट अधूरा है, इतना चटपटा और अमेजिंग लगेगा। अगर यह दही भल्ला एक बार आपने घर पे बना के खा लिया तो आपको सारे चाट बाहर के फीके लगेंगे, आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट और मुलायम बने हैं, अंदर से भी बहुत ही बढ़िया देखने में खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया फीलिंग आई है, बहुत ही ज़्यादा शानदार और अमेजिंग, एक बार बना के ट्राई ज़रूर करें। अगर आपने एक बार अपने परिवार से बना के खिलाए तो तारीफ करते नहीं थकेंगे, इतने अमेजिंग और स्वादिष्ट बनते हैं, इतने सॉफ्ट और मुलायम, आप सभी चाट खाने भूल जाओगे। एक बार बना के ट्राई जरूर करें, हमेशा यही बना के खाना पसंद करेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी चटपटी और अमेजिंग रेसिपी लेके आते रहेंगे।